अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई जहराज किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे कीमा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चीज़ खाना हर किसी को पसंद है, खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। अगर हम इस तरह से घर पर बनाएंगे बस्ट पिज़्ज़ा तो बहुत ही बच्चों को पसंद आएगा और साथ ही घर के बड़ों को भी पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और मैं इसे बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से बनाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कीमा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल पर 1 कप के करीब हल्का गर्म दूध ले लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट डाल लेती हूँ। इसी के साथ 1 चम्मच चीनी का पाउडर मैंने कर लिया है, शुगर पाउडर उसे भी डाल लेती हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो अच्छी तरह से मैंने इसे मिला लिया है। अब मैं यहाँ पर 250 ग्राम के करीब मैदा डाल लेती हूँ। 250 ग्राम्स के करीब मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से पहले छान लिया है। तो अब मैं यहाँ पर नमक भी डाल लेती हूँ 1/2 चम्मच के करीब। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब तेल भी हमें डाल लेना है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तो इसे गूंदने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का गर्म दूध ली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का गर्म पानी से भी इसे गूंद सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इसे स्टिकी फॉर्म पर गूंदना है, यानी इसे मैं जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उस तरह का आटा हमें यहाँ पर नहीं तैयार करना है। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा चिपचिपा सा गूंदेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध डालकर इसे मैं अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा अब जो है बिल्कुल एक चिपचिपा सा है, स्टिकी फॉर्म पर है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2 से 3 चम्मच के करीब तेल डालूँगी। जैसे ही हम यहाँ पर तेल डालेंगे तो हमारा आटा जो है स्टिकी फॉर्म पर जो है वो बिल्कुल एक बाइंडिंग फॉर्म पर आ जाएगा, तो बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं रहेगा तेल डालते ही। तो हम इसे अच्छी तरह से मस लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से मसलते हुए गूंद लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल कर गूंद लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ 1 चम्मच के करीब, और हम इसे 2 घंटे के लिए साइड पर रख लेते हैं ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से फॉर्मेंट हो जाए, यानी फूल जाए अच्छी तरह से। हमने जो ईस्ट डाला है तो उसकी वजह से हमारा आटा अच्छी तरह से फूल जाएगा, इस आटे का डबल हो जाएगा। तो चलिए इस बाउल को एक प्लेट से ढक देती हूँ और 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा फॉर्मेंट हो रहा है तब तक हम कीमा बना लेते हैं। तो स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख ली है। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब तेल भी डाल लिया है। अब हमारा तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट ली हूँ, उसे डाल लेती हूँ। प्याज को हमें हल्का सा नरम कर लेना है। प्याज के नरम होते ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेती हूँ। इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर पाउडर मसाले डाल लेती हूँ। पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इन सारे पाउडर मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसी दौरान मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर भी डाल लेती हूँ। तो अब हमारा मसाले से भी तेल छोड़ने लगा है। अब मैं यहाँ पर 250 ग्राम के करीब कीमा डाल लेती हूँ। तो कीमे को हम अच्छी तरह से मसाले के साथ भूनेंगे। स्टोव का फ्लेम मैं यहाँ पर मीडियम कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनना है मसाले के साथ कीमे को। अब मैं यहाँ पर नमक भी डाल लेती हूँ। नमक मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं कीमे के साथ। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब टोमेटो सॉस डाल लेती हूँ। इसे भी मैं कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। स्टोव के मीडियम फ्लेम पर हम कीमे को अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कीमे का सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो हम कीमे को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर। 10 मिनट के लिए मैंने कीमे को अच्छी तरह से पका लिया है, भून लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है और हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ और कीमे को मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। पूरे 1.5 घंटे के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छी तरह से फूल चुका है, डबल हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे पंच मारते हुए मैं इसे अच्छी तरह से मसलते हुए गूंदूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलिए हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फिर से एक बार अच्छी तरह से मसल कर गूंद लेते हैं। तो अब हमारा बहुत ही आटा जो है सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं करूँगी इसका 2 पार्ट्स, यानी 2 भाग हमें करना है।
एक हमें यहाँ पर 60% करना है और दूसरा हमें 40% आटा डिवाइड कर लेना है। तो चलिए मैं 40% आटे को साइड पर रख लेती हूँ। 60% आटे को हमें क्या करना है, एक प्लेट पर रखना है। तो इस प्लेट पर मैं यहाँ पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, तो इस पर मैं थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ। और ये तेल आपको सरसों का तेल दिख रहा होगा, जी नहीं, ये रिफाइंड ऑयल है और ये पका हुआ तेल है, तो इसका कलर इस तरह से आपको दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से प्लेट को ग्रीस कर लेती हूँ। और 60% आटे को मैं यहाँ पर हाथ से हमें इस तरह से फैला लेना है चारों तरफ आटे को प्लेट पर, इस तरह से आपको करना है, या फिर आप थोड़ा सा बेल लें, बेलने के बाद भी आप इस तरह से हाथ से इसे फैला लें। तो देखिए फ्रेंड्स, गूंदे आटे को मैंने अच्छी तरह से हाथ से फैला लिया है चारों तरफ प्लेट पर। अब मैं क्या करूँगी, इसे फॉर्क से हमें इस तरह से हल्का हल्का सा होल कर लेना है, ताकि हमारा आटा जो है यानी पिज़्ज़ा बेस वो फूलेगा नहीं। तो इस तरह से आपको होल कर लेना है। तो ये तो हमारा तैयार है। तो चलिए, हमने जो 40% आटा रखा हुआ था उसका मैं बेल लेती हूँ। बिल्कुल हमें रोटी की तरह उसे बेल लेना है। और इसे बेलने के बाद हम इसे सेकेंगे तवे पर, हल्के हल्के हल्का हल्का हमें सेकना है दोनों साइड से। हमें रोटी को पूरा पकाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा हमें इसे सेक लेना है। तो देखिए, मीडियम फ्लेम पर मैंने रोटी को दोनों साइड पलटते हुए अच्छी तरह से हल्का हल्का सा सेक लिया है। तो चलिए, अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ, चलते हैं हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्लेट पर हमने जो आटे को लगाकर फॉर्क से होल किया हुआ था, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कीमा डालूँगी। हमने जो कीमा बनाकर रखा हुआ था, सबसे पहले हम यहाँ पर कीमा डाल लेते हैं। कीमे को हम चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे। जितना बड़ा हमने रोटी बेला हुआ है, बस उसी हिसाब से हमें यहाँ पर कीमे को सेट करना है फैलाकर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्लाइस वाला चीज़ जो होता है, मैं यहाँ पर उसे डाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 4 स्लाइस चीज़ लिया हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पर चारों तरफ फैला कर डाल लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, हमने जो रोटी को सेक कर रखा हुआ है पकाकर, हल्का पकाकर हमने जो रोटी को रखा हुआ है, उसे मैं इस चीज़ के ऊपर रख लूँगी। इस तरह से हमें रख लेना है। अब हमें क्या करना है, चारों तरफ से हमें आटे को लाकर बीच में इस पके हुए रोटी के ऊपर हमें चिपकाना है, यानी इसे हम बंद करेंगे। तो इस तरह से आपको करना है, जिस तरह आपको वीडियो पर दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। क्योंकि आज हम बना रहे हैं कीमा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा, तो उसके लिए हमें चीज़ का 2 लेयर लगाना होता है। एक हम अंदर की तरफ चीज़ रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने स्लाइस चीज़ रखा हुआ है। और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस के ऊपर सबसे ऊपर लेयर पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा लेती हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच टोमेटो सॉस और 1 चम्मच सेजवान चटनी मिलाकर भी पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। तो इसे मैं अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर लूँगी, फैला लूँगी। सॉस भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कितना सॉस अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च। तो उसे भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे आखिर में स्लाइस में कटा हुआ टमाटर और कुछ प्याज हमें डाल लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कीमा पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर और ज़्यादा वेजिटेबल ऐड नहीं किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, उससे भी खाने को बहुत ही अच्छा लगेगा पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल लेती हूँ इसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डाल लेना है। चारों तरफ हमें यहाँ पर फैलाकर मोज़रेला चीज़ डाल लेनी है। आपको अगर चीज़ खाना पसंद है, तो आज की रेसिपी जो है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आज की पिज़्ज़ा रेसिपी पूरी तरह से चीज़ से भरी हुई है, अंदर भी चीज़ और ऊपर भी चीज़। तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको चीज़ खाना पसंद है, तो आज की कीमा बस्ट पिज़्ज़ा बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगा। ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। तो सबसे आखिर में मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ के ऊपर ओरिगैनो भी अच्छी तरह से स्प्रिंग कर लेती हूँ। अब हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। आप चाहें तो इसे ओवन पर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे गैस स्टोव पर बेक करने वाली हूँ, यानी इसे बनाने वाली हूँ। तो स्टोव के मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई में एक स्टैंड रखा हुआ है और इसे मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर प्लेट इसे बहुत ही केयरफुली के साथ अंदर रख लेती हूँ और इस कढ़ाई की लिड को कवर कर लूँगी। और इसे हमें सिर्फ 40 मिनट्स के लिए बेक करना है। अब हम इसे 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर।
बिना लिड कढ़ाई का लीड हटाए हम इसे इसी तरह से बिल्कुल 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा कीमा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे थोड़ा सा कच्चा है तो आप इसे और थोड़ा देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए भी रख सकती हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। होममेड घर की बनाई हुई कीमा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए हम इसे इसी तरह से पहले छोड़ देते हैं, 45 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कैसा बना है चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बिल्कुल बनकर तैयार है, कीमा वाली पिज़्ज़ा। तो चलिए अब मैं स्टोव को ऑफ़ कर लेती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, खासकर चीज़ लवर को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की कीमा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।